नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आज इस शानदार वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूं महापुरुषों की समाधि स्थल। जी हां, आज हम लोग जानेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल, जिसे इंग्लिश में सिमेट्री या रेस्ट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी को। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि का नाम राजघाट है और यह राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। इंग्लिश में इसे रॉयल स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा, राष्ट्र पिता और बापू के नाम से जाना जाता है। इनकी समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भीमराव अंबेडकर के समाधि को, जिसे चैतन्य भूमि के नाम से जाना जाता है। यह दादर चौपट्टी में स्थित है। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब या भारतीय संविधान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समाधि चैतन्य भूमि है। इसके बाद हम लोग जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनके समाधि का नाम महाप्रयाण घाट है और यह महाप्रयाण घाट बिहार के पटना में स्थित है। अगली कड़ी में हम लोग जान रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके समाधि का नाम शांतिवन है और यह शांतिवन नई दिल्ली में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी समाधि विजय घाट नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे अगली समाधि, वो है संजय गांधी की। संजय गांधी की समाधि का नाम शांतिवन है और शांतिवन नई दिल्ली में स्थित है। संजय गांधी भारत के सांसद रह चुके हैं, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, और इनके समाधि का नाम शांतिवन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इंदिरा गांधी के बारे में। जी हाँ, इंदिरा गांधी के समाधि का नाम शक्ति स्थल है और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इनके समाधि का नाम शक्ति स्थल है। शक्ति स्थल नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो अगली समाधि हम लोग जानने जा रहे हैं, वो है समता स्थल। और समता स्थल बाबू जगजीवन राम की समाधि का नाम है। समता स्थल नई दिल्ली में स्थित है, जिसको प्लेस ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जगजीवन राम भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उप प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह के समाधि का नाम किसान घाट है, जिसको फार्मर्स प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं इंग्लिश में। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और इनकी समाधि नई दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है किसान घाट। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं राजीव गांधी के समाधि वीरभूमि को। राजीव गांधी के समाधि का नाम वीरभूमि है। राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी समाधि वीरभूमि जो है, यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो अगली समाधि हम लोग जानने जा रहे हैं, वो है एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह के समाधि का नाम है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी समाधि एकता स्थल नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि एकता स्थल नई दिल्ली में स्थित है। इसको प्लेस ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। अगला मोरारजी देसाई का समाधि है, जिसको अभय घाट के नाम से जाना जाता है और अभय घाट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके समाधि का नाम अभय घाट है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नारायण घाट के बारे में, जो कि गुलजारीलाल नंदा की समाधि है। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा की समाधि है और गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी समाधि नारायण घाट भी अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। अब जो अगली समाधि जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है कर्म भूमि। जी हाँ दोस्तों, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि है, जिसको लैंड ऑफ ड्यूटी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी समाधि कर्म भूमि जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। अगली समाधि जो है वो हम लोग जानने जा रहे हैं संघर्ष स्थल के रूप में।
संघर्ष स्थल देवी लाल की समाधि है, इसको प्लेस ऑफ स्ट्रगल भी कहते हैं। देवीलाल का पूरा नाम चौधरी देवीलाल था, ये भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यानी कि उप प्रधानमंत्री, और इनकी समाधि संघर्ष स्थल नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे किशन कांत जी को। किशन कांत की समाधि का नाम निगम बोध घाट है। निगम बोध घाट जो कि किशन कांत के समाधि का नाम है, ये नई दिल्ली में स्थित है। किशन कांत भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यानी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी समाधि निगम बोध घाट नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव की समाधि का नाम बुद्ध पूर्णिमा पार्क है, इसको पीवी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी समाधि हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ, हैदराबाद में इनकी समाधि स्थित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे के आर नारायणन को। के आर नारायणन की समाधि उदय भूमि के नाम से जानी जाती है, और के आर नारायणन भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनकी समाधि उदय भूमि नई दिल्ली में स्थित है। और इसके बाद जो हम अगली समाधि का चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है जन नायक स्थल। जी हाँ, जन नायक स्थल चंद्रशेखर जी की समाधि है, जिसको प्लेस ऑफ पीपुल्स लीडर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। चंद्रशेखर भारत के प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि प्रधानमंत्री थे, और इनकी समाधि नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। इनकी समाधि का नाम स्मृति स्थल है, जिसको प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से भी जान सकते हैं। आईके गुजराल को इंद्र कुमार गुजराल के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत का, और इनकी समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग जानेंगे आगे के वीडियो में बाकी जानकारी, इसलिए लर्न दीज ऑल सिमेट्रीज ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे, और जो भी समाधि स्थल दी गई है उसको आप लोग याद करेंगे ताकि अगले एग्ज़ाम में आप सही सही आंसर लिख सकें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट हमारी प्रेरणा है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करिए हमारे वीडियो के बारे में, ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो की क्वालिटी कैसी रही। अगर कोई सुझाव होगा तो हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, और आगे के वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो भी आपका सुझाव हो उसे हम लागू करें। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।